हेलो एवरीवन, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ करीब 5-7 आलू को छील लिया है और आधे किलो गोभी को कट कर लिया है। अब हम कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी लेंगे, इसमें गोभी को डाल देंगे और अच्छे से हम करीब 5 मिनट तक इसको ब्लांच करेंगे, अच्छे से उबालेंगे इसमें। इससे आपकी गोभी जर्म फ्री हो जाएगी और बनने के बाद भी इसका शेप वैसे ही रहेगा। सब्ज़ी बनने के बाद गोभी फूटेगी नहीं सब्ज़ी में। और अब मैं इसको निकाल लूँगी करीब 5 मिनट बाद। और निकाल के मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, ये भी गर्म हो गया है। अब हम गोभी को तल लेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं मैंने तेल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है इसमें, तब भी अच्छे से आपकी ये गोभी हो जाएगी। तो गोभी को हमको एकदम सुनहरा बना लेना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा ढक ढक के पका सकते हैं। और आधे खुले हुए बर्तन में अगर आप इसमें लिड लगाएं तो साइड से थोड़ा सा खोल दें, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गोभी को सुनहरा बना लिया है, अच्छी तरीके से ये लाल कलर में आ गई है। अब मैंने जो आलू कट किया था उसको भी मैं अच्छे से इसमें तल लूँगी। तो थोड़े से तेल में ही मैं इसको कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा कलर आ जाता है आलू में भी और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है ये। तो इसको भी हम आधे खुले हुए ढक्कन से ही इसको अच्छे से तल लेंगे। अब यहाँ मैंने मिक्सी जार लिया है, इसमें हम लेंगे करीब 2 बड़े चम्मच धनिया की जो सीड होती है वो ले लिया है और करीब 3 बड़े चम्मच जीरा। जीरा के साथ मैंने यहाँ 2 मिर्ची डाली है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, पूरी तरीके से मैंने पेस्ट नहीं बनाया था। और यहाँ मैंने कच्चा नारियल मिक्स कर दिया है, 1 टुकड़ा बड़ा टुकड़ा। और साथ ही मैंने जो प्याज कट की हुई थी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाल दी है। प्याज की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, अब हम इसको साइड करेंगे। और यहाँ जो आलू मेरे मैंने ढक के इसको सेकने के लिए तलने के लिए जो छोड़ दिया था वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाल हो गए अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि तेल की क्वांटिटी मैंने कितनी कम ली थी, फिर भी आलू बहुत अच्छी तरीके से सिक गए हैं, गोभी भी अच्छी तरीके से। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, अब हम इसका तड़का लगाएंगे सब्जी का। यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 1 छोटी चम्मच मेथी दाना। तो मेथी दाना को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तड़कने देंगे। तो ये भी जब चटक जाएगी उसके बाद हमको मिलाना है। यहाँ मैंने करीब 5-7 लौंग ले लिया है, छोटी इलायची 2 इलायची ले ली है, साथ ही दालचीनी लिया है मैंने, 1 बड़ी इलायची ली है और साथ ही मैंने लिया है मिर्च, काली मिर्च। ये सारी चीज़ें हम तेल में डाल देंगे और इसको भी करीब 1 मिनट तक हम तड़के में अच्छे से चटकने देंगे। और साथ ही मैंने 2 प्याज और कट किया हुआ था, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो प्याज थोड़ी छोटी भी कट कर सकते हैं, बट मैंने बड़ी बड़ी प्याज ही कट किया है। और टमाटर को भी ऐड करके अच्छे से इसको सौते कर लेंगे, करीब 2 मिनट तक थोड़ी सी गला लेंगे इसको। और गलाने के बाद हम इसमें जो मैंने मसाले मिक्सी में पीसे हुए थे वो भी डाल देंगे। तो जो धनिया और जीरे का जो इसमें पेस्ट मैंने डाला था मसाले में वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ मैंने करीब 2 चम्मच किचन किंग का सब्जी मसाला डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ करीब 2 बड़े चम्मच मैंने टोमेटो केचप डाला है। ये सब्जी बनने के बाद बहुत ही अच्छी टेस्ट में आती है, एकदम हलवाई स्टाइल सब्जी बन जाती है ये। तो आप कभी इस तरीके से भी बना के अपने घर पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है टेस्ट में ये।
तो आप देख रहे हैं कि मसाले अच्छी तरीके से गल गए हैं, टमाटर प्याज भी अच्छे से गल गई है। अब हम जो मैंने तल लिया था आलू और गोभी को, इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें और अच्छे से मसाले को चारों तरफ इसमें मिला लेंगे। आप चाहें तो इसी पॉइंट पे आप यहाँ पे नमक ऐड करके इस सब्ज़ी को कम्प्लीटली यहीं पे बना के छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको जूस वाली सब्ज़ी बनानी है तो आप नमक ऐड करके आपको इसमें पानी डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें स्वादानुसार नमक मिला दिया है और यहाँ मैं करीब 2 कप पानी डालूँगी, छोटे कप से। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम चला लेंगे और ढक के हम करीब इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट ये पकने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है सब्जी का जो ग्रेवी था, और यहाँ सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए।